बक्सर पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें तीन अलग अलग लूट कांडों का उद्भेदन करते हुए इस घटना में शामिल चार लुटेरों को धर दबोचा तथा देसी पिस्टल, मोबाइल, कुछ नकदी समेत लूट में प्रयुक्त बाइक की भी पुलिस को हाथ लगी है। बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र स्थित बीते 21 मार्च को वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में CSP लूटकांड तथा धनसोई थाना क्षेत्र अंतर्गत पटखवलिया मोड़ के पास 2 अगस्त को रोहतास के व्यापारी से लूट के सवार तीन अपराधियों ने 1,32,000 हथियार के बल पर फायरिंग करते हुए लूट लिए थे। इन दोनों घटना की त्वरित निष्पादन करते हुए बक्सर DSP गोरखराम के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ करते हुए छापेमारी शुरू कर दी गई, जिसमें लूट में संलिप्त 2 अपराधियों को पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 मोबाइल, 4,500 नकद समेत 2 मोटरसाइकिल के साथ धर दबोचा। वही 11 अगस्त को होने वाले नवानगर थाना क्षेत्र में भी लूट की घटना का उद्भेदन द्वारा करते हुए पुलिस, जिसमें 4 सदस्यीय टीम के कार्य करते हुए 2 अपराधियों को मोबाइल तथा 7,200 रुपये के साथ धर दबोचा। इस तीनों लूटकांड के बारे में बक्सर SP मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि धनसोई थाना नगर में लूट को एक ही अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य की तलाश जारी है। वहीं तीसरी लूट की घटना का भी डुमराव DSP अफाक अंसारी ने के नेतृत्व में सफल उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें लूट के कुछ रुपये भी बरामद हुए हैं। सिटी न्यूज बक्सर से संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट। में विगत 11 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी सोनवर्षा में, जिसमें एक ज्वेलर हैं जो जगदीशपुर के रहने वाले थे, वो दुकान बंद करके लौट रहे थे और उनके साथ लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें लगभग 1,00,000 रुपया और कुछ सामान उनका लूटा गया था। उस कांड में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी बाकी है। उससे कुछ सामान भी बरामद हुआ है, कुछ पैसे बरामद हुए हैं और मोबाइल फ़ोन आदि बरामद हुआ है। इन लोगों के द्वारा घटना में संलिप्तता को स्वीकारा भी गया है और कुछ और अपराधकर्मी जो है उनकी गिरफ्तारी संभावित है, जल्दी हो जाएगी। इसके लोग शामिल थे सर इसमें घटना करने में 3 लोग थे, पर परोक्ष रूप से कुछ और लोग का भी नाम आया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो। कितने की लूट हुई? ये 1,00,000 रुपया कैश उसका गया था। रिकवरी इसकी 7,200 रुपये की है, 7,200 रुपये की रिकवरी है और एक अभी कभी जो मुख्य अभियुक्त थे वो गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके अलावा एक धनसोई में कुछ दिन पूर्व एक व्यवसायी का स्टाफ था जो पैसा कलेक्शन करके लौट रहा था, उससे पैसा लूटा गया था लगभग 1,30,31,000 रुपये। उसमें शामिल 3 में से 2 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था उस मोटरसाइकिल का को भी हम लोगों ने रिकवर कर लिया है। वहाँ से 4,500 रुपया, 1 पिस्टल, ये सब बरामद हुआ है। हाँ, उसमें फिर नगर में एक मार्च के महीने में एक CSP से 20,000 रुपया लूटा गया था, उस कांड का भी उद्भेदन हो गया है और इन जो अपराधकर्मी धनसोई में कांड किया है उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है, इस कांड में भी साक्ष्य मिला है। तो 3 कांडों का हम लोगों ने उद्भेदन कर लिया।